आज के दिन 1831 में सावित्री बाई फूले का जन्म हुआ था। सावित्री बाई फूले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थीं। लड़कियों की शिक्षा पर उस वक्त सामाजिक पाबंदी थी। सावित्री बाई फूले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया था। वह एक कवित्री भी थी। उन्हें मराठी की आदि कवित्री के रूप में भी जाना जाता था। सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका हैं। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थीं, तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी और कीचड़ तक फेंका करते थे, लेकिन इन सब के बाद भी वह अपने उद्देश्यों में लगी रही। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को हमेशा एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, सामाजिक बंधनों से महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना था। 1903 में आज के दिन भारतीय हॉकी के मशहूर खिलाड़ियों में से एक जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा की शिक्षा ईसाई मिशन में हुई और मिशन की मदद से ही वह उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए ऑक्सफोर्ड गए। वहां वह ऑक्सफोर्ड की हॉकी टीम में मशहूर खिलाड़ी के तौर पर उभरे और ऑक्सफोर्ड ब्लू हासिल किया। माना जाता है कि 1928 से लेकर 1956 तक का समय भारतीय हॉकी के लिए स्वर्ण युग था। डॉक्टर जयपाल सिंह को 1928 में एम्स्टर्डम में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था। जयपाल सिंह की कप्तानी में टीम ने, जिसमें हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान खिलाड़ी ध्यानचंद भी शामिल थे, अंतिम मुकाबले में हॉलैंड को आसानी से हराकर स्वर्ण पदक जीता। हॉकी से संन्यास लेने के बाद 1936 में जयपाल सिंह ने राजनीति में कदम रखा और झारखंड पार्टी का गठन किया। आदिवासी नेता जयपाल सिंह 1952 में प्रथम लोकसभा के सदस्य बने और आजीवन अपने क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य के तौर पर काम किया। आज के दिन 1926 में भारत के शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आर्य समाज के सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की अब्दुल रशीद नामक एक उन्मादी ने धर्म चर्चा के बहाने उनके कक्ष में जाकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का जन्म पंजाब प्रांत के जालंधर जिले के तलवान ग्राम में हुआ था। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रसार किया। वह भारत के उन महान राष्ट्रभक्त सन्यासियों में अग्रणी थे जिन्होंने अपना जीवन स्वाधीनता, स्वराज, शिक्षा और वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने गुरुकुल, कांगड़ी विश्वविद्यालय आदि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की और हिंदू समाज को संगठित करने में सहयोग किया। इसके साथ ही शुद्धि आंदोलन चलाने में उनकी अहम भूमिका रही थी। 2002 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन का निधन हुआ था। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ प्रोफेसर सतीश धवन एक कुशल शिक्षक भी थे। वह इसरो के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए, जिसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कई सकारात्मक बदलाव भी किए। उन्होंने संस्थान में अपने देश के अलावा विदेशों से भी युवा प्रतिभाओं को शामिल किए जाने का समर्थन किया था। इसके साथ ही कई नए विभाग भी शुरू किए और छात्रों को विविध क्षेत्रों में शोध के लिए प्रेरित किया। सतीश धवन के प्रयासों से ही संचार उपग्रह इनसेट, दूरसंवेदी उपग्रह IRS और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का सपना साकार हो पाया था।